लो। अब क्या ये मोटर में आपको दिख रहे होंगे, ये चारों तार बाहर निकले, एक दो तीन और चारों निकले। अब इस लैंप की मदद से आप कैसे पता करोगे कि हमारे कौन से इसमें इस कंडेंसर वाले हैं, कंडेंसर के कौन से लगेंगे इसमें और इसमें फेज न्यूट्रल कौन से लगेंगे, ठीक है, इस लैंप की मदद से। ये लैंप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें फेज न्यूट्रल देंगे। ये फेज न्यूट्रल देके हम मोटर चेक कर लेंगे कहीं हमारी मोटर बॉडी अर्थ तो नहीं है, नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा ये हमने इसको फेज न्यूट्रल दे दी, ये हमारा बल्ब थोड़ा कम जल रहा है, कम जल रहा है। और ये देखो अब ये एकदम तेज़ जल रहा है क्योंकि हमने ये दोनों वायर शॉर्ट कर दी। अब इनमें से हम एक किसी को सप्लाई देंगे, किसको, एक किसी को सप्लाई देंगे। अब देखो इसमें हमने दी सप्लाई, ये यहाँ पर निकल रही, ये देखो फुल जल रहा है, ठीक है। जहाँ देखेंगे आप बिल्कुल नहीं जल रहा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा कम जल रहा है। आपको समझ में आ रहा है अब क्या करना है, यानी हमारा ये वाला कैपेसिटर का हो गया, ये वाला इसमें आपको पूरा जल रहा है, हमारा कैपेसिटर लगेगा और दूसरा तार कैपेसिटर का यहाँ पे लगेगा इस वाले पे, तीसरा हमारा न्यूट्रल यहाँ पे लगेगा। आप देखो इसको यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब इसको लगा के देखते हैं। देखो इसमें भी फुल जल रहा है, इसमें नहीं जल रहा है और इसमें जल रहा है, सेम वैसी की वैसी कंडीशन है आपको दिख रहा है। अब चक्कर क्या है, हमारा ये वाला फेज है, पहले ये वाला फेज है तो इसके साथ ये भी जल रहा है, यहाँ पे भी जल रहा है, यहाँ नहीं जल रहा। आपको समझ में आ रही है, ये देखो अब ये यहाँ पे भी जल रहा है और यहाँ पे भी जल रहा है, मतलब कुल मिला के आपको ये दोनों में लैम्प जल रहा है अपना, इन दोनों में देखो ये जल रहा है, ये जल गया, ठीक है। इन दोनों में जो हमारा लैम्प जल रहा है ये हमारे फेज न्यूट्रल हो गए, ये दोनों हमारे कैपेसिटर के हो गए, ठीक है। ऐसे कुछ कनेक्शन करेंगे और हम अब चला के दिखाएंगे आपको कैसे चलेगा। हमने ये फेज न्यूट्रल दे दिए, ये इसके कैपेसिटर के यहाँ दोनों दे दिए, ठीक है, दे दिए। अब हम ये मोटर चालू करेंगे, आपको मोटर चालू करके दिखाते हैं। ये हमने प्लग लगाया और ये प्लग लगा के ये मोटर आप देख सकते हैं, ये चालू है, ये मोटर हमारी चल रही है। आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आपका कभी ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए, ये वाला जी कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो मैं बताऊँगा आपको कैसे पता करना है कि ये ख़राब हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, इस पर लिखा रहता है, आप ये नेम टैग देखोगे, इस नेम टैग के ऊपर सब चीज़ लिखा हुआ है। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर सब कुछ लिखा रहता है, आप ध्यान से पढ़िए। आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो 10 mFD जो लिखा दिख रहा है यहाँ पे, 10 mFD, तो इसमें 10 का कैपेसिटर डलेगा। आपको समझ में आ गया होगा इस टुल्लू पम्प का कनेक्शन कैसे करना है, कैसे नहीं, आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों।